नमस्कार लता बाबर जी, मैं आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया। आलू की भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए हम आलू की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 8 से 10 आलू लिए, इसे मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है और छील कर बिल्कुल ही मैंने धो लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ कर लिए हैं। तो आइए हम इसे काटते हैं। तो इसे हम पहले लंबा लंबा शेप देंगे और इस तरीके से पूरा काट लेंगे, उसके बाद में हम इसको लंबा आकार में, आप चाहें तो किसी भी तरह जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उस तरीके से काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने भुजिया का इस तरीके से आकार दिया है, कट किया है, लंबा लंबा किया है ताकि जब भुजिया बने तो वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो हमने एक आलू काट लिए हैं। आलू का भुजिया बनाना बिल्कुल ही आसान है। बिहार में हर घर में जब भी कोई गेस्ट आ जाए तो आलू का भुजिया जरूर ही बनता है। और बच्चों को तो कुछ मत दो, बस आलू का भुजिया बना दो, बस उसके साथ वो रोटी खा लेगा खुशी खुशी। अब आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा आलू भी काट लिया है। इसी तरीके से हम सारे आलू को काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सारे आलू काट लिए हैं और अब हम इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और जब मेरी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम उसमें फ़ौरन डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 मिर्ची डालेंगे। मिर्ची को हमने बीच से हल्का हल्का तोड़ दिया, क्योंकि अगर साबुत डालते हैं तो वो फट जाती है, तो बहुत तेज तेल का छींटा जो है सो बाहर आ जाता है, इसलिए मैंने उसे हल्का सा तोड़ दिया ताकि वो फटे ना। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि पानी गलने के लिए हमने इसमें रख दिया था, जो कि पानी अच्छी तरीके से उसका निकल चुका है। और इसे हम भुजिया को मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया और हमने लहसुन और मिर्ची का वो पीस करके रखा हुआ था, अब हम उसे 1 चम्मच डाल देते हैं और उसे डालकर भी हम मिला देंगे। और भुजिया को हम जब भी भूंजेंगे तो अभी खुला ही भूंजेंगे, उसे हम ढकेंगे नहीं। यदि हम ढक देते हैं तो ये टूट जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च डाल देते हैं और उसे भी डालकर हम इसे मिला देंगे। आलू का भुजिया डालने के टाइम तो हमने फ्लेम को हाई रखा था, लेकिन जब हमने सारे डाल दिए हैं तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे हम हर 2-3 मिनट पर इसे हम चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम चला रहे थे नीचे की ओर हल्का सा गोल्डन दिख रहा है। तो इसे हम बराबर ही चलाते रहेंगे और अभी खुला ही रखेंगे, अगर ढक देते हैं तो ये टूट जाएगा। तो भुजिया करीब 50% के लगभग पक चुका है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढक कर इसे 2-3 मिनट के बाद इसे हम फिर खोल कर इसे चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कितनी अच्छी तरीके से इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जब हम इसे दबा रहे हैं तो ये अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है, अभी नहीं हुआ है, भुजिया तैयार नहीं हुआ है। तो चलिए इसे हम एक बार फिर ढक देते हैं और 3 मिनट के बाद फिर हम इसे हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और भी ज़्यादा चेंज हो चुका है। चलिए अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने पहले इसमें नमक नहीं डाला, कम से कम ये 70% पक चुका है तब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो अब हम इसे ढकेंगे नहीं, अब हम इसे खुला ही भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें गोल्डन ब्राउन आने लगा है। तो इसे हम बराबर ही हर 1-2 मिनट पे इसे चलाते रहेंगे। देख सकते हैं कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और बिल्कुल भुजिया बन के तैयार हो चुका है। इसे हम दबा के हमने देखा तो ये हाथों से बिल्कुल ही दब रहा है। तो भुजिया जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसे हम अब इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और धनिया पत्ता डालकर इसे हम मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि भुजिया बिल्कुल ही नहीं टूटा है, ताकि भुजिया में खुशबू भी अच्छी आए और टेस्ट भी अच्छा हो। तो मेरा भुजिया बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस भुजिया की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।